guys, just welcome back to my channel. I hope all are you doing good, and today I come back with my new video. So guys, if you watch my channel first time, I'm fashionista Amya. I make DIY haul vlogs and many more videos. So if you like my channel, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So guys, aaj main lekar aayi hu aapke liye ek alag si video, aur ye video hone wali hai ek unboxing, aur ye unboxing hone wali hai ek Club Factory ke lehenge ki. So Club Factory se maine bahut time pehle samaan mangaye the, wo bhi मैंने एसेसरीज वगैरह कुछ मंगाई थी. क्लोथिंग आइटम मैंने अभी तक क्लब फैक्ट्री से नहीं मंगवाया था, क्योंकि मुझे मतलब उसकी जो पॉलिसी वगैरह थी और उसमें जो रिव्यू वगैरह थे, रेटिंग वगैरह थे, इतनी नहीं देते थे. लेकिन अब जो है क्लब फैक्ट्री में नीचे रेटिंग्स भी देते हैं, रिव्यूज भी देते हैं, और लोग फोटोग्राफ्स भी डालते हैं जो वो ऑर्डर करवाते हैं. जैसे अमेजोन में होता है कि रिव्यू के साथ हम फोटो भी ऐड कर सकते हैं. सो क्लब फैक्ट्री में ये ऑप्शन ऐड हो चुका है. काफी टाइम से मैं भी ऐड है, मैंने अभी देखा है. कुछ टाइम पहले से ही मैं क्लब फैक्ट्री देखने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि काफी टाइम से मैंने कुछ क्लब फैक्ट्री से नहीं मंगवाया, क्यों ना मैं क्लब फैक्ट्री से कुछ चीजें अपने लिए मंगवाऊं. सो अभी होली का सेल चल रहा था, तो होली की सेल पे मैंने कुछ चीजें ऑर्डर करवाई थी. तो उसमें से एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ है आज. वो है एक लहंगा जो है बेंगलोरी सिल्क लहंगा, और ये मुझे सेल के दौरान पड़ा था 678 रुपीज का. सो देखते हैं ये लहंगा कैसा है. और ये पार्सल मेरे पास आ चुका है इस टाइप से, और ये बेंगलोरी सिल्क लहंगा है. और फटाफट से हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का लहंगा मुझे ये रिसीव हुआ है. अमेजोन से तो बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग कर ली, अब क्लब फैक्ट्री से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि पार्सल कैसा रिसीव हुआ है. सो गाइज, इसकी रिटर्न पॉलिसी जो है ऐसा है कि अगर आप प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव मिलता है या फिर क्वालिटी अप टू मार्क नहीं होती है, तो वो अरेंज जो है रिटर्न पिकअप जो है अरेंज करवाते हैं आपके लिए, और वो प्रोडक्ट वापस चला जाता है. जो हमारे रिटर्न के पैसे आने होते हैं उसमें से जो है 90 या 99 रुपीज जो है डिडक्ट हो जाते हैं आपके. और जो अगर वो लोग चेक करते हैं उसकी क्वालिटी और जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको चेक करते हैं, अगर उन लोग को लगता है कि फाइनली ये है इस टाइप का, मतलब खराब है या डिफेक्टिव है, तो वो आपके जो 90 या 99 रुपीज है वो आपको रिटर्न वापस दे देते हैं. सो या ये है इसकी रिटर्न पॉलिसी. सो अभी फटाफट से इस अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते. मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. सो इसे फटाफट से खोल लेते हैं. आज के क्लब फैक्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने लग गई हैं, और सूट सेट भी काफी अच्छे अच्छे हैं. मैंने एक ब्लाउज भी अपने लिए रेडीमेड मंगाया है, काफी अच्छा आया है ब्लाउज भी. तो ये कुछ इस टाइप का बेंगलोरी सेटन लहंगा है, जो मुझे ना फोटोज में बहुत अच्छा लग रहा था. ज्यादा हम लोग जैसे बाहर के साइड से ऑर्डर करवाते हैं ना, तो वेट नहीं होता कब ऐसा लगता है कि कब पार्सल हमें रिसीव होगा और हम कब खोल के देखेंगे. सो पैकेजिंग भी अच्छी है, पॉली बैग में हम लोग को भेजा हुआ है, और ये है बेंगलोरी सिल्क सेटिन लहंगा. सो लहंगा है कुछ ऐसा, और ये बहुत ही अच्छा शाइनिंग में है. सो घेर इसका अच्छा दे रखा है यार, मतलब इतना सोचा नहीं था कि ऐसा रिसीव होगा. मतलब था कि अच्छा होगा, लेकिन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है. बेंगलोरी सिल्क लहंगा है कुछ इस टाइप का, साइड से इसमें ऐसे कट दे रखा है, और अंदर इसमें जो है इस टाइप का अस्तर दे रखा है. सो अस्तर भी इसका जो है कुछ शाइनी टाइप का सिल्क का है, और बाहर से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसमें जो है ये प्रिंट हो रखा है. और लहंगा जो है काफी ज्यादा शाइनी, और काफी ज्यादा जो इसका प्रिंट है ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो ये वाला प्रिंट था और एक दूसरा वाला प्रिंट था. लेकिन मुझे ये वाला प्रिंट ज्यादा अच्छा लग रहा था उससे, और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है, क्योंकि इस टाइप का लहंगा मैंने किसी सेलिब्रिटी को पहने हुए देखा था. तो होता ही है, सेलिब्रिटी वाला लुक तो चाहिए होता है. सो इसलिए मैंने ये वाला लहंगा मंगवाया था, और मेरा हाथ काफी ऊपर तक पहुंच गया दिखाने के लिए. सो इसके नीचे जो है ये रेड वाइट ऑरेंज ग्रीन इस टाइप का इन्होंने बॉर्डर दे रखा है, और ये लहंगा मुझे बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है. सो इसका घेर भी काफी अच्छा दे रखा है, और ये लहंगे की डील मुझे बहुत अच्छी लगी. 639 में सच में ऐसा लहंगा कहीं नहीं मिलने वाला, काफी अच्छा लहंगा मिला है. और ये जो आपको मिल रहा है ये इसका जो है ब्लाउज पीस है, और ये का फुल ब्लाउज पीस आपको दे रखा है इस टाइप का. ये है, इसमें भी इन्होंने प्रिंट दे रखा है इस टाइप का. तो ये कुछ ब्लाउज जो है इस तरीके से स्टिच होगा, फ्रंट में आएगा, और इसका ब्लाउज भी मैं कुछ डिजाइनेबल बनाने वाली हूँ. आजकल जो काफी ज्यादा सेलिब्रिटी ऐसे वी नेक का जो है स्ट्रैप वाला वी नेक, और पीछे से भी वी नेक वाला ब्रालेट टाइप का जो है ब्लाउज चल रहे हैं. सो मुझे उस टाइप का ब्लाउज बनवाना है, अपने लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है उस टाइप का ब्लाउज पहनने का. सो मैं इसको उसी टाइप का बनवाने वाली हूँ,
और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है दुपट्टा नेट का। सो नेट जो है अच्छा है, ठीक है, मतलब 639 में प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी ठीक है। और ये फुल आपको जो है इसमें जो ये बॉर्डर दे रखा है ना मल्टी कलर, ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। इससे ही लुक जो है लहंगे का बहुत अच्छा बनेगा और कुछ इस टाइप से ये दुपट्टा लग रहा है ओढ़ने के बाद। और नेट भी ठीक है, मतलब वो गंदा वाला नेट नहीं लग रहा है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। मतलब काफी सारी शॉपिंग करती हूँ मैं, सो मुझे ये जो लहंगा है वो काफी वर्थफुल लगा है प्राइस के अकॉर्डिंग। बेंगलोरी सेटिन सिल्क लहंगा और इसका प्राइस है गाइज ओनली 639 रुपीज। आपको इसकी जो ब्लाउज है वो स्टिच करवानी पड़ेगी, लहंगा सेमी स्टिच है, साइड से आपको सिलवाना पड़ेगा। और इसमें जो है अंदर आपको अस्तर के साथ दे रखा है, ये सिल्क का अस्तर है शाइनिंग वाला। और इसकी जो घेर है वो काफी अच्छी दे रखी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको राउंड में करके दिखा देती हूँ कि घेर काफी अच्छा दे रखा है इस लहंगे का। मतलब इतने कम प्राइस में जो है लहंगे का घेर नहीं होता है, बिल्कुल कम होता है लहंगे का घेर, या तो ए लाइन का लहंगा उठा के दे देंगे। तो मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इस टाइप का लहंगा मुझे रिसीव होगा था, मतलब ये था कि लहंगा थोड़ा कम होगा, घेर उसका कम होगा, लेकिन इसका घेर काफी अच्छा है। सो ये लहंगा मुझे काफी पसंद आया है और अब आप देख सकते हैं ये लहंगा क्लब फैक्ट्री में जाकर। और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं क्लब फैक्ट्री में। मैंने अपने लिए अनारकली एक पूरा सूट सेट मंगाया है, वो मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि मैं एक साइट को फॉलो करती थी, उस साइट का नाम है बुनाई। तो उसमें जो है काफी सारे जो है अंगरखा टाइप के कुर्तीज और शरारा और प्लाजो और कुर्ती शॉर्ट फ्रॉक वाली कुर्ती, कुछ इस टाइप के सूट्स थे। तो उस सेम वही टाइप के फोटोग्राफ्स जो है क्लब फैक्ट्री में थी, तो मुझे वो उस टाइप के सूट्स काफी पसंद है, फ्रॉक वाले और नीचे से शरारा, तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे सूट्स अपने लिए बनवाए भी हैं। और अभी लेटेस्ट मैंने एक अपना साड़ी का भी बहुत सुंदर, मतलब जैसे वन सूट बना के दिया टेलर ने मेरे, और बहुत ही प्यारा लग रहा है उसका लुक, जो ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी जैसे सूट्स पहनते हैं ना उस टाइप का लुक लग रहा है। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी, उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो सूट मेरा पहन के इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है आप लोग को मेरा ये छोटा सा प्यारा सा अनबॉक्सिंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गाइस सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और उसके साथ भी लाइक भी कर दो क्योंकि लाइक करना भी जरूरी होता है वीडियो को, सब्सक्राइब तो कर ही दो साथ में, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उससे आप देख क्या हो गया मुझे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसे आप फटाफट से देख सकेंगे। उसके साथ बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी। और गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करवाती हूँ और मुझे रिसीव होता है अमेजोन से। अभी रिसेंटली मैं आज ही कमेंट पढ़ रही थी एक मेरी जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी क्या बोलते हैं ऑर्गेन्जा साड़ी की, तो उसमें किसी ने कमेंट करा है कि अच्छी क्वालिटी नहीं है मत लीजिएगा। सो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं हमें डिफरेंट रिसीव होता है, किसी और को डिफरेंट रिसीव होता है। तो जरूरी नहीं होता, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रिटर्न करवाइए, आप दूसरी चीज ऑर्डर करवा लीजिए। तो ऐसा कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं चीज मंगा रही हूँ वो आपको भी वैसे ही रिसीव हो सकती है, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मैं अपना रिव्यू बता रही हूँ वो मैं अपने जो मेरे हैंड में जो चीज है उसको देख कर ही मैं रिव्यू कर रही हूँ। और ये मैं लहंगा सिलवाने वाली हूँ, मैं इसको वापस तो करवाऊंगी नहीं अब, और मुझे अच्छा लग रहा है क्वालिटी देखकर। मैंने रिव्यू देखा था, उसमें फोटोज थी एक दो, तो मैंने उस बेसिस पे अपने लिए मंगवाया कि मुझे अच्छा लगेगा ये लहंगा। सो अच्छा लगा है मुझे लहंगा। और अभी तो कोई भी मेरा फेस्टिव सीजन नहीं आ रहा, मैं इसे कब वेयर करूंगी यार, मंगवा तो लिया है, चलो कभी भी वेयर कर लूंगी। और ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ कि मुझे जो क्लोथ्स हैं वो मैं किसी पार्टी में वेयर करूं, मैं कभी भी ऐसा पहन के फोटो शूट करवा लेती हूँ। सो गाइस अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलूंगी अनदर अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले, उसके सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे जरूर बताना कि मेरा न्यू हेयर कट कैसा लग रहा है। मैंने आज ही अपना न्यू हेयर कट करवाया है और साथ में मैंने ये वाला हेयर बैंड लगा लिया जो मुझे डिस्क से मिला था। सो मुझे बताइएगा मेरा हेयर कट आप लोग को कैसा लग रहा है, और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये लहंगा आपको कैसा लगा है। सो गाइज मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।